चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में से ये बात करेंगे कि विश्वास कैसे बढ़ता है। मैं आपको पांच तरीके बताऊंगा जिनसे विश्वास बढ़ता है। कोई आपको इससे ज़्यादा बताए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज पांच तरीकों पर चर्चा करना चाहता हूं, और वो पांच तरीके ऐसे हैं जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा। और विश्वास के बहुत से लाभ हैं, लेकिन विश्वास के सात लाभ मैं आपको बताना चाहता हूं। विश्वास के बड़े बड़े सात लाभ जो हैं वो आपको बताना चाहता हूं, और विश्वास को बढ़ाने के पांच तरीके मैं आपको बताना चाहता हूं। सो आए हम लोग सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि विश्वास के क्या लाभ हैं। तो वो सात लाभ जो बड़े लाभ हैं वो आपको बताता हूं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप पांच तरीके कौन से हैं जिससे आपका विश्वास बढ़ सकता है। पहली बात, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 30 और 31 वचन। जब जेलर ने पूछा, हे साहबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, यानी कि मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए मैं क्या करूं, उन्होंने कहा, प्रभु के लोगों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सो पहली सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा लाभ ये है कि उद्धार, मोक्ष, मुक्ति, उद्धार हमें मिलता है विश्वास करने से। सबसे बड़ी बात, विश्वास करने से हमें उद्धार मिलता है, मोक्ष मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा लाभ, रोमियो 3 अध्याय और उसका 28 वचन। इसलिए हम इस पर नाम कर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। दूसरा बड़ा लाभ विश्वास का कि इंसान विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है, व्यवस्था के कामों से नहीं। साफ लिखा है, इसलिए हम इस पर नाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य विश्व व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। रोमियो 3:28 में लिखा है। सो मनुष्य धर्मी ठहरता है विश्वास के द्वारा, यानी कि उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलती है विश्वास के द्वारा। दूसरी बड़ी बात, दूसरी बड़ा लाभ, धर्मी ठहरते हैं हम, मनुष्य धर्मी ठहरता है विश्वास के द्वारा। और तीसरा बड़ा लाभ, रोमियो 4:16 वचन, प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। जितनी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, जितने परमेश्वर के वादे हैं, प्रॉमिस ऑफ द गॉड, जितने भी वादे हैं परमेश्वर के, वो विश्वास पर आधारित हैं। यानी कि तीसरा सबसे बड़ा लाभ कि हम प्रतिज्ञाओं के वारिस बन जाते हैं जब हमारे अंदर विश्वास होता है। प्रतिज्ञा कौन सी, थोड़ा सा आपको बता दूं, कुछ प्रतिज्ञाएं आप फिर दूसरी प्रतिज्ञा भी याद कर लें। जैसे यशाया 41:10 वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दैन्य हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये प्रतिज्ञाएं, और ये प्रतिज्ञाएं विश्वास पर आधारित हैं। बहुत बड़ा तीसरा लाभ प्रतिज्ञाएं कि हम वारिस बनते हैं। प्रतिज्ञाएं, प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। जैसे मैंने आपको प्रतिज्ञा यशाया 41:10 वचन की बताई है, और इब्रानियों 13:5 वचन कहता है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये भी प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। यशाया 54:10 और उसका 10 वचन, 54:10 वचन यशाया का, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और यह विश्वास पर आधारित है। मत्ती 28:20 वचन, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं।
यह प्रतिज्ञा है परमेश्वर मसीह की और यह विश्वास पर आधारित है। यशायाह 43 अध्याय 4 वचन, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, परमेश्वर कहते हैं, और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य राज्य को लोगों को दे दूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये विश्वास पर आधारित है। यशायाह 46 अध्याय 4 वचन कहता है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा, मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें फिर लिए फिरता रहूँगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञाएँ सब विश्वास पर आधारित हैं। यशायाह 43 अध्याय 2 वचन, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और ये विश्वास पर आधारित है। यशायाह 49 अध्याय और उसका 15 वचन, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और यह भी विश्वास पर आधारित है। यशायाह 49 अध्याय 16 वचन, देख मैंने तेरे चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहेगी। तेरा शहरपनाह मतलब तेरा निवास स्थान या तेरा घर सदैव मेरी दृष्टि के सामने बना रहेगा, यशायाह में लिखा है। यह प्रतिज्ञा है और यह विश्वास पर आधारित है। यशायाह 54 अध्याय 17 वचन, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, जितने लोग तेरे तुझ पर केस करें मुकदमा करें वो सब हार जाएंगे और तू सब मुकदमे जीत जाएगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यशायाह 65 अध्याय 24 वचन, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। सो परमेश्वर के लोगों, जितनी भी प्रतिज्ञा हैं और भी बहुत सी प्रतिज्ञाएं, जितनी प्रतिज्ञा हैं सब विश्वास पर ही आधारित हैं, सब विश्वास पर ही आधारित हैं। विश्वास के द्वारा हम मुक्ति पाते हैं, उद्धार पाते हैं, विश्वास के द्वारा हम लोग धर्मी ठहर जाते हैं। तीसरी बड़ा लाभ जो मैंने आपको बताया है, विश्वास के द्वारा हम प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। और चौथी बात, इब्रानियों 11 अध्याय 6 वचन, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, यानी कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, मतलब विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। चौथा बड़ा लाभ, जब विश्वास हमारे अंदर होता है तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और पांचवी बात, परमेश्वर मसीह ने उससे कहा, यूहन्ना 11 अध्याय 40 वचन में परमेश्वर मसीह ने उससे कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जन के विश्वास जब हम करते हैं, ये बड़ा लाभ है कि हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। बड़ा लाभ है चौथा जो मैंने पहले आपको बताया, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं विश्वास से। और बड़ा लाभ ये है, यहाँ लिखा है, जे तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को, यानी कि बड़े बड़े काम, जैसे उसने परमेश्वर की महिमा को देखा यहाँ पर, और जो उसका भाई मर चुका था 4 दिन के बाद वो जिंदा हुआ, और यहाँ परमेश्वर मसीह ने पहले कहा था, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगी। तो जब हम विश्वास करते हैं, बड़ा लाभ है, हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। और छठी बात, छठा बड़ा लाभ, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मत्ती 21 अध्याय 22 वचन, बड़ी बात पर परमेश्वर मसीह ने कही, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा, वह सब तुम्हें मिलेगा। जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा, यानी कि विश्वास से जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगेंगे वह सब हमें मिलेगा। यह था छठा सबसे बड़ा लाभ। और सातवीं बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, सातवां जो बड़ा लाभ बता रहा हूँ, यानी कि सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, वो है मरकुस 9 अध्याय 23 वचन, प्रभु यीशु ने उससे कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सातवां बड़ा लाभ कहूँ, जैसा कहूँ कि सब प्रकार के लाभ इसी बात के अंदर आ जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी बात कह दी और वो ये कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अब बात यह है कि विश्वास इतना इम्पोर्टेंट है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, उसके द्वारा हम लोग प्रतिज्ञाओं के वारस होते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं, हमारे जो है परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर की महिमा को हम लोग देखते हैं, हम लोग उद्धार
पाते हैं और जो प्रार्थना में मांगते हैं वो मिलता है और विश्वास से सब कुछ हो सकता है। तो विश्वास इतना बड़ी चीज़ है, तो वो विश्वास मिलेगा कहाँ से, वो विश्वास कहाँ से मिलेगा? वो बातें जो हैं मैं आपको पांच बातें, पांच तरीके जो आपको बताना चाहता हूँ जहाँ से विश्वास मिलेगा, उन पांच तरीकों को मैं आप बताना चाहता हूँ जो जहाँ से आपको ये विश्वास मिलेगा। सो परमेश्वर के लोगों, विश्वास इन पांच तरीकों से बढ़ता है, वो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पांच तरीके कौन से हैं? सबसे पहला तरीका जिससे विश्वास बढ़ता है वो है रोमियो 10:17 या लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी कि विश्वास बढ़ता है, विश्वास सुनने से बढ़ता है। और क्या सुनने से? लोगों की बातें, अविश्वास की बातें नहीं, मसीह का वचन सुनने से। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी कि जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। जहाँ जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो विश्वास बढ़ता है, चाहे वो कहीं स्टिकर लगा हुआ है, चाहे कहीं होर्डिंग लगा है, चाहे आपके कैलेंडर पे वचन लिखा हुआ है, कहीं भी परमेश्वर का वचन सुनते हैं जब पढ़ते हैं। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास बढ़ने का सबसे पहला तरीका यह है, विश्वास सुनने से, यानी कि मसीह का वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। और दूसरी तरीका कहां से विश्वास बढ़ेगा? यूहन्ना 2:23 बहुत ने उन चिन्हों को देखकर जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म दिखाए, जो चिन्ह दिखाए, चमत्कार दिखाए, उनको देखकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो विश्वास कहाँ से बढ़ता है? चिन्ह और चमत्कार देखकर। जब आप चर्च में जाते हैं, जहाँ आप किसी की गवाहियों को सुनते हैं, वो चमत्कार ऐसा हुआ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में यह किया, और फिर उनसे जो चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, जब आप चिन्ह और चमत्कारों को सुनते हैं, देखते हैं, जब वीडियो में देखते हैं, जहाँ आप सुनते हैं, जहाँ आप चर्च में जाकर सुनते हैं, जहाँ आपके जीवन में होता है, जहाँ आपके द्वारा होता है, सो चिन्ह को देखकर विश्वास बढ़ता है। मेरा भी विश्वास बढ़ता है। आज भी विश्वास एक ऐसी चीज है, सब लोग विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ते जाते हैं, पवित्रता से पवित्रता की ओर बढ़ते रहते हैं, धार्मिकता से धार्मिकता की ओर बढ़ते जाते हैं। मैं भी विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ता जा रहा हूं ना? सो ये विश्वास रुकने वाली प्रक्रिया नहीं, भी हाँ विश्वास पूरा हो गया, अब और नहीं चाहिए। विश्वास से विश्वास की ओर मैं भी बढ़ रहा हूं। और विश्वास कैसे होता है, उसका दूसरा तरीका मैं बता रहा था, चिन्ह और चमत्कार देखकर विश्वास बढ़ता है। मेरा भी बढ़ता है चिन्ह और चमत्कार देखकर, और आपका भी चिन्ह और चमत्कार जब आप देखेंगे विश्वास आपका बढ़ेगा। और तीसरा जो तरीका है जो विश्वास कैसे बढ़ता है, वो है गलातियों 5:21-22 में लिखा हुआ है, वहाँ पर आत्मा का फल के बारे में बताया गया है 22 में, और जो 9 फल हैं आत्मा के, उनके अंदर एक फल जो है वो है विश्वास। जैसे आनंद, मेल, धीर्ज, कृपा, ये जो हैं उसके अंदर है विश्वास, विश्वास। यानी कि ये कहाँ से मिलता है? ये परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर एक बीज बोया जाता है विश्वास का, परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर एक विश्वास का बीज बोया जाता है, आत्मा का फल, आत्मा के फल के रूप में। लेकिन उसे विकसित हमें करना है, आत्मा के फल में, उसको आत्मा का जो फल है उसे हमें विकसित करना है। तो ऐसे ये था तीसरा तरीका, उसके द्वारा भी विश्वास जो है हमारा बढ़ता है। और चौथा जो तरीका है वो बहुत अनुग्रह वाला है, 1 Cor 12:9, यहाँ पर लिखा है, जो पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं, जो पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं, उन 9 वरदानों में एक वरदान है विश्वास। ये परमेश्वर की ओर से मिलता है। जैसे आत्मा का फल है 9, उसमें से जो विश्वास का बीज बोया जाता है हमारे जीवन में, उसे विकसित हमें करना होता है ना? लेकिन यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर की ओर से वरदान मिलता है। 1 Cor 12:9 लिखा है, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। यानी कि यहाँ साफ लिखा हुआ है, 9 वरदानों के बारे में लिखा है, मैं 9 वरदानों की चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन उसमें से एक वरदान की जो चर्चा कर रहा हूँ वो है आत्मा, उसी आत्मा से, यानी कि पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो है विश्वास। और जब पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिलता है
पवित्र आत्मा के में विश्वास आता है, जब आप पवित्र आत्मा में भरते हैं विश्वास होता है, और आप विश्वास से फिर आप जो है कार्य करते हैं, और विश्वास से आप मांगते हैं, विश्वास से फिर परमेश्वर प्रसन्न होता है, विश्वास से आप प्रतिज्ञाओं के अधिकारी हो जाते हैं। और पांचवा तरीका जो है वो बड़ा आसान है, और वो आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे? मरकुस 9:24 आप जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, परमेश्वर मसीह से, हे परमेश्वर मसीह मेरे अविश्वास का उपाय करो ना। सो यहाँ पर आप जानते हैं कि एक ये आदमी बेचारा पिता है, और इसका इकलौता बेटा है, और वो गूंगा है और बहरा है, उसके मिर्गी के दौरे आते हैं, दुष्ट आत्मा है, कभी आग में गिराती है, कभी पानी में गिराती है, बचपन से ये हाल थे। और परमेश्वर मसीह के पास उसे लेकर आए, और परमेश्वर मसीह से कहता है, प्रभु जी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करो। परमेश्वर ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तब उसने कहा, ठीक है प्रभु जी मेरे अविश्वास का उपाय करो। यानी कि आप प्रभु से विनती भी कर सकते हैं कि परमेश्वर जी मेरे अविश्वास का उपाय करो। अगर और आप क्लियर करना चाहते हैं पांचवें तरीके को, तो आप पढ़ सकते हैं लूका 17:5 और उसका 5 आप पढ़िएगा। तब प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। आप भी कह सकते हैं, यहां पर चेले कह रहे हैं, आप देखो चेले कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जी हमारा विश्वास बढ़ा। आप भी कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी हमारा विश्वास बढ़ा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनका विश्वास को मजबूत किया, दृढ़ किया, प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास को भी बढ़ाएंगे। देखो विश्वास हमें बेहद जरूरी है, और विश्वास बढ़ाने के मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं। इन 5 तरीकों के द्वारा आप विश्वास में दृढ़ होएं, मजबूत हो जाएं 5 तरीकों के द्वारा। क्योंकि अगर विश्वास है तो बड़ी पहली बात जो आपके लिए होने वाली है, आप उद्धार पाएंगे, मुक्ति पाएंगे। दूसरी जो बड़ी बात आपके लिए होने वाली है वह है आप धर्मी ठहरेंगे। तीसरी जो बड़ी बात आपके लिए होने वाली है वह है कि आप प्रतिज्ञाओं के वारस बन जाएंगे। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की हैं उनके आप वारस बन जाएंगे। और चौथी जो बड़ी बात है अब वो है विश्वास, अगर आप करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। और पांचवी बात है, अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। और छठी बात, आप जब विश्वास करेंगे तो विश्वास से प्रार्थना में मांगेंगे प्रभु से, और वो तुमको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा, वो तुमको मिलेगा। और अंत में आपको वही बात फिर आपको कह देता हूँ, मरकुस 9:23, प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप चाहते हैं आपके लिए सब कुछ हो, तो आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। और विश्वास कहाँ से आएगा? वो 5 तरीके मैंने आपको बताए हैं, वहां से आप विश्वास पा सकते हैं। सो परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाए, परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपकी मदद करे। यह मैं आशीर्वाद देता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन आमीन।